दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले में भुवनेश्वर कुमार ने अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीम के खेमे में मचाई सनसनी। और आखिरकार किस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने इस सबसे बड़े क्रिकेट के महामुकाबले में भारत को शानदार शुरुआत दिलाई, बताएंगे इस महामुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है भारत का सबसे बेहतरीन गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह में से कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, 10 महीने बाद खेले जा रहे भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी टीम में बहुत ही बड़े बदलाव कर दिए, जहां उन्होंने अपनी टीम में 5 बल्लेबाज और 4 परफेक्ट गेंदबाजों के साथ 2 ऑलराउंडर को जगह दी। लेकिन इस टीम में सबसे बड़ा बदलाव ऋषभ पंत की जगह दिनेश कार्तिक को विकेट कीपर के रूप में खिलाने को लेकर किया गया। तो वहीं रोहित शर्मा का यह बदलाव और दुबई के इस स्टेडियम पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला सही साबित होगा या नहीं, इस बारे में आपको आगे पता चलेगा। लेकिन इस स्टेडियम के रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 10 में से 9 मुकाबले पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। ऐसे में भारतीय टीम इस रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। और इस मुकाबले के लिए दोनों टीम राष्ट्रगान के लिए आई तो दोनों का आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि पिछली बार भारतीय टीम को वर्ल्ड कप में इसी स्टेडियम पर 10 विकेट के हार का सामना करना पड़ा था। और यह मुकाबला विराट कोहली का 100वां इंटरनेशनल T20 मुकाबला है। और भारत के पहले खिलाड़ी विराट कोहली बन चुके हैं, जो तीनों फॉर्मेट में 100 मुकाबले खेल चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए, और इन दोनों का फॉर्म बहुत ही शानदार चल रहा है। जहां बाबर आजम T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1, तो वहीं मोहम्मद रिजवान दुनिया के नंबर 3 बल्लेबाज है। और भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजी की कमान अनुभवी भुवनेश्वर कुमार को दी। जहां पहली गेंद खाली गई तो वहीं दूसरी गेंद पर पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम चकमा खा गए और LBW आउट हो गए। हालांकि रिव्यू लेकर मोहम्मद रिजवान ने फैसला अपने पक्ष में बदल दिया और अपने आप को नॉट आउट करवाया। और तीसरी गेंद पर टीम का खाता मोहम्मद रिजवान ने 1 रन के साथ खोला। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर विरोधी कप्तान बाबर आजम ने चौके के साथ अपना खाता खोल दिया और दिखा दिया कि इस मुकाबले में किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन वो करने वाले हैं। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद रिजवान को फिर से भुवनेश्वर कुमार ने फंसाया और विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवा दिया। लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकार दिया और कप्तान रोहित शर्मा ने रिव्यू लिया, जो विफल साबित हुआ। और पहले ही ओवर में अपना पहला रिव्यू भारत ने गवा दिया और पहले ओवर में मात्र 6 रन आए। तो वहीं दूसरे ओवर में कराने के लिए युवा गेंदबाज अर्शदीप सिंह आए, जो अपना पहला एशिया कप मुकाबला खेल रहे हैं और अपने पहले ओवर में 1 चौका समेत 8 रन दे दिए, जिसके बाद फिर से कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद भुवनेश्वर कुमार को थमा दी। और इस ओवर में चौथी गेंद पर विरोधी कप्तान बाबर आजम को बाउंसर गेंद डालकर पीछे की तरफ खड़े अर्शदीप सिंह के हाथों 9 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 10 रन बनाने के बाद कैच आउट करा दिया और बाबर आजम को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की तरफ से आउट करवाने वाले पहले गेंदबाज भी भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं। तो वहीं 15 रन के स्कोर पर पहला विकेट जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए फखर जमान आए और इस ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने मात्र 5 रन देते हुए सबसे बड़ा विकेट भी हासिल किया। और इसके बाद अगले ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 1 चौके के रूप में 4 रन दिए। लेकिन इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनाने के लिए आते ही विकेट लेने वाले गेंदबाज हार्दिक पांड्या को बुलाया और उन्होंने ओवर में 1 चौका समेत 7 रन दिए। तो वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में आवेश खान गेंदबाजी करने आए और मोहम्मद रिजवान ने 1 छक्का और 1 चौका जड़ दिया। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर फखर जमान 5 गेंदों पर 200 रन के स्ट्राइक रेट के साथ 10 रन बनाकर कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने इफ्तिखार अहमद आए और पावर प्ले में पाकिस्तान की टीम ने 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी या नहीं, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।